सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक महत्वपूर्ण अपडेट्स है जो हम विद्यालयों में शिक्षकों को तैयार करना बहुत ही आवश्यक है और वर्तमान में शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित कार्यों की सूची आपको इस वीडियो पर बताई जाएगी। और विभागीय कार्यवाही से बचने हेतु अगर आप रखेंगे इन बिंदुओं को तैयार तो आप पर कोई कार्यवाही देखिए। वर्तमान में शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित कार्यों की सूची, UDAS की जांच व त्रुटि रहित करना, नवीन नामांकन सत्र 2023-24 की प्रेरणा पोर्टल पर फीडिंग, कक्षा आवंटन की प्रेरणा पर फीडिंग, परिवार सर्वेक्षण की प्रेरणा पर फीडिंग, MTM अंतिम अवशेष सूचना BRC पर देना, कंपोजिट ग्रांट उपभोग PRC पर देना, TRG डाटा मार्च से अब तक BRC पर देना, पुस्तकालय वितरण की प्रेरणा पर फीडिंग, प्रेरणा तालिका व पुस्तकालय व्यवस्था और प्रदर्शन। 1 अक्टूबर 2024 तक निपुण ब्लॉक बनाना है, इस हेतु सभी विद्यालय दिसंबर 2023 अपने अपने विद्यालय को निपुण बनाने की ओर कार्य योजना बनाकर तैयार कर लें। दूसरा बिंदु है परिवार सर्वेक्षण कार्य की फीडिंग, प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन भरने की कार्रवाई 100% पूर्ण करना है। तीसरा, टीचर क्लास मैपिंग का कार्य पूर्ण करें। चौथा, पाठ पुस्तकों के वितरण का कार्य प्रेरणा पोर्टल पर समस्त विद्यालय भर दें, यानी DC अब भरना है जो प्रेरणा पोर्टल पर जो आपके विद्यालय में बच्चों को कक्षावार वितरण कराया है, छात्रवार आप वहां पर प्रत्येक बच्चे की डेटा फिल कर देंगे। और टीचर क्लास मैपिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो शिक्षा महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार ये दिया गया है, प्रत्येक हेडमास्टर की जिम्मेदारी है और ये कार्य बहुत ही अनिवार्य है। पांचवा, जो अभी वृक्षारोपण अभियान चल रहा है, यानी 22 जुलाई और 15 अगस्त को भी एक महाअभियान चलाया गया, वृक्षारोपण का जन आंदोलन चलाया गया, जिस पर हमें जियो टैगिंग भी अपने विद्यालय के लिए जितने वृक्ष अलाट हुए हैं, पौधे अलाट हुए हैं, उन पौधों की जियो टैगिंग भी हमें विद्यालय में अपने कैमरे के द्वारा जो भी ऑनलाइन ऐप से हमें हरितमा वन ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे, हरितमा अमृत वन ऐप, वहां से आप इसको जियो टैगिंग करा लेंगे, इसे अनिवार्य रूप से भर दें व रिपोर्ट की स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित अपने पास रखें। अति महत्वपूर्ण निपुण लक्ष्य ऐप से प्रतिदिन 5 बच्चों का असेसमेंट करना है, जो आपके कक्षा 1 से लेकर के 5 के बच्चे हैं उन बच्चों में से प्रतिदिन आपको एक पंजिका तैयार करनी है, छात्र प्रगति पंजिका रहेगी, जो आपको निपुण विद्यालय बनाने के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रत्येक शिक्षक की यह जिम्मेदारी होगी कि 5 बच्चों का असेसमेंट अनिवार्य रूप से करते जाए प्रतिदिन, जिसके लिए एक छात्र पंजिका बनाई जाएगी जिसमें क्रम संख्या, छात्र का नाम, असेसमेंट का दिनांक, छात्र निपुण है या नहीं कॉलम बनाने होंगे। तो ये महत्वपूर्ण 6 बिंदु हो गए। सातवां बिंदु, निपुण लक्ष्य ऐप, सरल ऐप, दीक्षा ऐप, रीड लॉन्ग ऐप समस्त अध्यापकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों को डाउनलोड करना है व बच्चों को निपुण बनाने में इन ऐप्स का उपयोग भी करना है। तो ये ऐप्स आपके मोबाइल पे डाउनलोड होने चाहिए, इंस्टॉल होने चाहिए और इन ऐपों के आधार पर आप निपुण लक्ष्य ऐप से आप बच्चों का असेसमेंट करेंगे। समस्त अध्यापक विभाग द्वारा प्रदत्त शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग, जो शिक्षक संदर्शिकाएं कक्षा 1 से 5 वाले विद्यालयों में, यानी प्राथमिक विद्यालय और कंपोजिट विद्यालयों में प्राप्त पहले से करा दी गई विभाग द्वारा, उन संदर्शिकाओं का भी उपयोग महत्वपूर्ण है और इनका प्रयोग करना सुनिश्चित करें। उसकी समस्त प्रविष्टियां, ट्रैकर आदि समय समय पर पूर्ण करते रहें। इसकी मॉनिटरिंग निरीक्षण के दौरान की जाए। जब भी मॉनिटरिंग निरीक्षण का होगा वो आपको उस समय ये सब चेक किया जा सकता है। संकुलवार गूगल मीट समस्त विद्यालय के प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक की जाएगी, जिसकी सूचना समय समय पर ग्रुप द्वारा प्रेषित की जाएगी। जो भी आपकी गूगल मीट्स या YouTube सेशंस के द्वारा मीटिंग्स होती हैं उनमें आप प्रतिभाग अनिवार्य रूप से करें,
ताकि आप अपडेट रहें भी शिक्षा विभाग की जो भी योजनाएं आती हैं, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, सारा ये आपको अपडेट्स प्रेषित की जाएगी समय से। समस्त विद्यालय स्टाफ गूगल मीट लिंक द्वारा मीट से जुड़ना सुनिश्चित करेंगे। विद्यालय में पुस्तकालय, हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है 10वां, विद्यालय में पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, रीडिंग कॉर्नर आदि व्यवस्थित रूप से बना दें। उपरोक्त समस्त बिंदु ब्लॉक को निपुण बनाने के लिए सुनियोजित किए गए हैं। इन बिंदुओं के आधार पर अभी आप तैयारी अपने विद्यालयों की रखें और कार्यवाही से बचें, ताकि प्रत्येक अधिकारी निरीक्षणकर्ता आपसे इन प्रश्नों पे आपसे पूछ सकते हैं और इन बिंदुओं को जरूर तैयार रखनी चाहिए। तो साथियों, यदि आप चाहते हैं इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बेस्ड शिक्षा से जुड़ी हुई अपडेट्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती रहें, तो इस चैनल को, यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि यह वीडियो उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।